खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ के लेखक का नाम बताएं। खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ के लेखक का नाम प्रयाग शुक्ल है। पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है? पाव भाजी मुंबई प्रांत का स्थानीय व्यंजन है। दक्षिण भारत के मुख्य व्यंजन क्या क्या हैं? इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, रसम इत्यादि दक्षिण भारत के मुख्य व्यंजन हैं। कुछ फास्ट फूड के नाम बताइए। बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, सैंडविच आदि कुछ फास्ट फूड हैं। अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान के कारण किस वर्ग के भोजन में विविधता आ चुकी है? अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान के कारण मध्यम वर्ग के भोजन में विविधता आ चुकी है। प्रीति भोजों और पार्टियों में ढेरों चीज़ें एक साथ रख देने से क्या होता है? प्रीति भोजों और पार्टियों में ढेरों चीज़ें एक साथ रख देने से स्वाद परस्पर मिल जाता है। एक गुजराती व्यंजन का नाम बताइए जिसका जिक्र लेखक ने पाठ में किया है। ढोकला एक गुजराती व्यंजन है जिसका जिक्र लेखक ने पाठ में किया है। मुंबई और दिल्ली के पुराने और मुख्य व्यंजनों का नाम बताइए। मुंबई और दिल्ली के मुख्य व्यंजन क्रमशः पाव भाजी और छोला कुलचा हैं। ढाबा संस्कृति कहाँ की है? ढाबा संस्कृति उत्तर भारत की है। ढोकला गाठिया किस प्रांत के स्थानीय व्यंजन हैं? ढोकला गाठिया गुजरात प्रांत के स्थानीय व्यंजन हैं। खान पान की बदली संस्कृति से कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? खान पान की बदली संस्कृति से युवा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है? उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। कौन से पश्चिमी व्यंजन का चलन बड़े शहरों में तेजी से बढ़ा है? फास्ट फूड जैसे बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा आदि का चलन बड़े शहरों में तेजी से बढ़ा है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजनों के नाम लिखें। उत्तर भारत के स्थानीय व्यंजन हैं रोटी, दाल और साग आदि, तथा दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजन हैं इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम आदि। खान पान की नई संस्कृति और कौन सी एकता बढ़ाने में सहायक है? खान पान की नई संस्कृति सांस्कृतिक एकता बढ़ाने में भी सहायक है। अंग्रेजों के ज़माने में ब्रेड कहाँ तक सीमित थी? अंग्रेजों के ज़माने में ब्रेड साहबी ठिकानों तक सीमित थी। खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने के कारण क्या हैं? खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण लोगों के विभिन्न स्थलों पर कामकाज के लिए जाना है। ईस्ट हो या वेस्ट, भारत है सबसे बेस्ट।